अरे संजय, क्या अंधेरे में बैठा है और अभी तक घर नहीं गया तू? यार बॉस ने कहा है कि मेरे शो की टीआरपी नहीं बढ़ी तो वो मेरा शो किसी और एंकर को दे देंगे। तो अब क्या करेगा तू? मसाला मसाला न्यूज जो चैनल को चाहिए। तो तेरे जर्नलिज्म एथिक्स का क्या? देख भाई, हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुके हैं और ये कंपटीशन से भरा हुआ है। हमारा टारगेट है सिर्फ टीआरपी अचीव करना, और जिसने टारगेट अचीव किया वो गेम चेंजर। पब्लिक के पास टाइम नहीं है जानने का कि टीआरपी कहां से आ रही है। सो इट्स विन विन सिचुएशन फॉर मी, बॉस एंड ऑडियंस। प्राइम टाइम में खुलासा करेंगे आज केरला के इस कपल के केस के बारे में, जिनकी शादी के पीछे है लव जिहाद। जी हां, आपने सही सुना, लव जिहाद। इस केस ने बहुत सीरियस रूप ले लिया है। देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA अब इससे जुड़ चुकी है। अरे संजय, तूने अभी तक कुछ लिया नहीं यार? नहीं यार, बस हो गया। वैसे भी खाने का मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? एक मेरा दोस्त है, साथ में हमने जर्नलिज्म किया था, वो चाइना चला गया। बरसों से उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आज अचानक टीवी में न्यूज़ देखा कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अभी वो ICU में एडमिट है। अच्छा, तूने आज की न्यूज़ देखी? कौन सी? वो प्राइम टाइम वाली ना? ऐसी न्यूज़ प्राइम टाइम में कौन दिखाता है? अरे ये आवाज तुम्हारे पिताजी की है ना? हाँ, मेरे फादर हर वीकेंड है ना कुरान का पाठ करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो देखो क्या, मैं चल देखते हैं। चलो ना देखते हैं। सूरह हुजरात आयत नंबर 6। ए ईमान वालों, कोई फासिक अगर तुम्हें कोई खबर सुनाए तो उसकी अच्छी तरह छानबीन कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी नादानी से दूसरों को तकलीफ पहुंचे और तुमको पछताना पड़े। फासिक उस इंसान को कहते हैं जो अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं करता। हमारे मरने के बाद हमारे कर्म का फल जन्नत होगी या दोजख, जिसको हिंदी में स्वर्ग और नर्क बोलते हैं, की चिंता ना करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि उसको कोई बात मालूम चले और वो उसकी सच्चाई जाने बिना उस बात को फैला दे। अरे संजय, क्या हुआ यार? याद है संजय, तूने एक न्यूज़ कवर की थी अपने प्राइम टाइम शो पे, वही केरला कपल वाली। आज NIA की उस पर रिपोर्ट आ गई है और देख क्या लिखा है इसमें। हमें इस कपल में लव तो मिला पर जिहाद नहीं। और एक टाइम पे सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स की ये प्राइम टाइम न्यूज़ हुआ करती थी, लेकिन आज जब इसमें जिहाद नहीं मिला तो देख अखबार के 16वें पेज पे ये न्यूज़ छपी है और किसी भी प्राइम टाइम ने इसे कवर नहीं किया।
केरला के इस कपल के केस के बारे में जिनकी शादी के पीछे है लव जिहाद। जी हां, आपने सही सुना, लव जिहाद। कोई फासिक अगर तुम्हें कोई खबर सुनाए तो उसकी अच्छी तरह छानबीन कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी नादानी से दूसरों को तकलीफ पहुंचे और तुमको पछताना पड़े। किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि उसको कोई बात मालूम चले और वो उसकी सच्चाई जाने बिना उस बात को फैला दे।